दोस्तों, क्या आपने सुना है कि किसी जज को फांसी की सजा सुनाई गई हो? एक ऐसी पजल जिसने पूरी इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया था। ऐसे ही और मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और दोस्तों, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अपना फीडबैक हमें नीचे कमेंट में जरूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये मजेदार वीडियो। दोस्तों, किसी जज द्वारा किसी क्रिमिनल को फांसी की सजा देने की बातें तो रोज ही देखी और सुनी जाती है, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी जज को ही फांसी की सजा दे दी गई हो? जी हाँ, आपने सही सुना। यह घटना आज से करीब 45 साल पहले की है, जब सन 1976 में उपेंद्रनाथ राजखोवा नाम के एक जज को फांसी पर लटकाया गया था। ये असम के डुबरी जिले से थे और एक सेशन कोर्ट के तौर पर तैनात थे और अपने सरकारी बंगले में अपने परिवार के साथ बड़े शान से रहते थे। फरवरी 1970 में जब वह रिटायर हुए तो उन्होंने अपना सरकारी बंगला खाली करने से मना कर दिया। इसी बीच उनकी पत्नी और तीनों बेटियां अचानक गायब हो गई। जब भी उनसे उनके परिवार के बारे में पूछा जाता तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता और वो अजीब अजीब बहाने बना देते थे। फिर फरवरी 1970 में राजखोवा अपना सरकारी बंगला खाली करके अचानक कहीं गायब हो गए। वो कहाँ चले गए थे किसी को नहीं पता था, लेकिन राजखोवा की पत्नी के भाई यानी कि उनके साले पुलिस में थे और जब उन्होंने राजखोवा के लिए इंक्वायरी शुरू की तो पता चला कि राजखोवा सिलीगुड़ी के एक होटल में कई दिनों से रह रहे थे। इसके बाद वो कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ उस होटल गए और उनसे अपनी बहन और उनकी बेटियों के बारे में पूछा और जब कोई भी बहाना ना चला तब राजखोवा ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उन्होंने ही अपनी पत्नी और अपनी तीनों बेटियों की हत्या की है और उनकी लाशों को उसी सरकारी बंगले के नीचे गाड़ दिया है। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत ने उपेंद्रनाथ राजखोवा को फांसी की सजा सुनाई। दोस्तों, इसी तरह उपेंद्रनाथ राजखोवा वो इकलौते जज माने जाते हैं जिन्हें फांसी की सजा मिली। यही नहीं, इस पूरी दुनिया में ऐसा और कोई जज नहीं रहा जिसे हत्या के जुर्म में फांसी की सजा हुई हो। चलिए दोस्तों, आज आपको मिलवाते हैं व्योम मित्र से, जो कि एक हाफ ह्यूमेनॉइड है, जिसे हमारे ही देश की एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने बनाया है। इसके पैर नहीं है इसलिए इसे हाफ ह्यूमेनॉइड कहा जा रहा है। व्योम मित्र एक खास रोबोट है जो लोगों को पहचान सकता है, उनके सवालों के जवाब दे सकता है और उनसे बातचीत भी कर सकता है। इतना ही नहीं, ये एस्ट्रोनॉट की नकल भी बड़ी आसानी से कर सकता है। इसरो द्वारा बनाया गया ये व्योम मित्र ह्यूमेनॉइड खास तौर पर मानव रहित गगनयान मिशन में साइंटिस्ट के काफी काम आएगा और साथ ही भारतीय एस्ट्रोनॉट को कैरी करने वाले गगनयान में भी ये एस्ट्रोनॉट के साथ स्पेस में जाएगा। दोस्तों, क्या आपने सिकाडा 3301 के बारे में सुना है? यह एक ऐसी पहेली थी जिसने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया था। इंटरनेट की दुनिया का यह एक ऐसा रहस्य है जिसका इस्तेमाल दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन सीक्रेट एजेंसीज कुछ सबसे इंटेलिजेंट लोगों को ढूंढने में करती हैं। 4chan नाम की एक वेबसाइट पर एक मैसेज वायरल हुआ जिसमें लिखा था कि एक एजेंसी ऐसे खास लोगों को ढूंढ रही है जो इस खास पहेली को सुलझा दे, और यहीं से इसकी शुरुआत हुई। यह पहेली हर किसी की समझ से परे थी, पर ये जिन खास लोगों के लिए थी वह इसका मतलब समझ चुके थे। सन 2012 में कुछ लोगों ने यह दावा भी किया कि उन्होंने इस पहेली को सुलझा लिया है और उसके कुछ ही समय बाद ये लोग अचानक कहीं गायब हो गए। इसके बाद हर साल सिकाडा 3301 नाम की पहेलियां सामने आने लगी और इन पहेलियों को सुलझाने के लिए कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और कई एक्सपर्ट्स खुद को आजमाते रहे और फिर ये मान लिया गया कि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन कोड ब्रेकर्स और हैकर्स को खोजने की एक चाल थी। अचानक 2015 में ये पजल लोगों के सामने आना बंद हो गई और फिर 2016 में अचानक ट्विटर पर ये मैसेज वायरल हुआ कि नकली पजल से बचें।
ये पजल पूरी तरह से डाटा सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी और स्टेनोग्राफी से संबंधित थी। सिकाडा 3301 को इंटरनेट के इतिहास की सबसे जटिल पहेली माना जाता है। क्या आपको इस पहेली के बारे में पता था? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आज के फैक्ट्स आपको पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।